awesome. यही है DLF। सुबह सुबह रास्ता पूरा खाली है। शकील जाओ और रोकने की, अब हम जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। टाइम हो रहा है 5:30। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए आज ईद है, इसीलिए हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। क्या मस्त बढ़िया सा जगह है। वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अब देते हैं वीडियो का इंट्रोडक्शन। तो हेलो नमस्ते वनकम सत श्री अकाल सलाम वनकम जियो रब्द्रो में अहमद यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल की टू हेवन। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग भी बढ़िया ही होंगे मेरे तरह। सुबह सुबह राइड करके जो मजा आ रहा है ना, वाह क्या बताओ आपको, बढ़िया सा फीलिंग है। बाइक पता नहीं मिच मैच मर रहा है, क्या हो गया, पेट्रोल ख़राब है या फिर पता नहीं क्या इशू आ रहा है, रेस में दिक्कत आ रहा है, शायद पेट्रोल उतना सही नहीं है। जगह कुछ बढ़िया जैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। यही है DLF। सुबह सुबह रास्ता पूरा खाली है, बढ़िया सा लग रहा है। जो सुकून है ना, ये सुबह सुबह खाली रोड में चलने का जो सुकून है ना, क्या बताऊँ उसको। पूरा कांच का बना हुआ है, लंबा सा चौड़ा सा, वाव मस्त ठंडा ठंडा हवा। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 ढोलाकुआ दिल्ली। आज लगभग हम लोगों ने 10 किलोमीटर कवर अप कर चुके हैं। तो हम जा रहे हैं, रास्ते पे हैं ढोलाकुआ बसंत विहार। जगह कुछ ऐसा है, रास्ता कुछ ऐसा है ना, जगह भी मस्त है, रास्ता भी भयानक खतरनाक। कल रात को सोया था हम लोगों ने लगभग 1:30 बजे और सुबह 4 बजे जगी गया है, समझ पा रहे हैं। नींद पूरी हुई नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा सा हनुमान मूर्ति है। अच्छा भैया 250 का कर दो। अंबेडकर भवन हम पहुंचने वाले हैं जामा मस्जिद फाइनली। माहौल बढ़िया सा माहौल है। घुड़ी राइट। ओके तो हमें ऐसे जाना है एंड देन राइट लेना है। जाके विफल दी Jack it up.
जहाँ तक आप देख पा रहे हो मैं हूँ जामा मस्जिद पे, ठीक है। तो ईद का नमाज बहुत ही अच्छा गया। ईद का नमाज की बात थोड़ा सा ऐसे ही ढेल रहा था। यही है जामा मस्जिद के जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस मेरे पीछे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही एंट्रेंस है, ठीक है। एंड आज का दिन बहुत ही बढ़िया गया और बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे नए दोस्त एक मिल गए हैं जो कि असम से है। असम से हैं और बोल रहे आसामीज में बात कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मिल गया था नमाज पढ़ने समय, अच्छा लगा, भाई से भी बात किया। और मैं तो आया हूँ शकील के साथ, ठीक है। और आपको कुछ कहना है ईद के बारे में? ईद ईद उल फितर सभी देशवासियों को, हिंदू मुसलमान जैन क्रिश्चियन ईसाई जितने सारे धर्मवासी के लोग इस भारत में विश्वास करते हैं सभी को हमारे तरफ से, दिल्ली जामा मस्जिद की ओर से, पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोगों को ईद उल फितर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी ईद, ये आपका मीठी ईद है, मीठी ईद के रूप में भी ना माना जाता है एक्चुअली ईद। कुछ यादें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ईद का माहौल, ईद का मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मस्त बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया गया। अब देख पा रहे हो मेरा जो पीछे है, यही है जामा मस्जिद। ये जो देख पा रहे हो ये पत्थर है, यहाँ पे बैठ के वजू किया जाता है। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो ये पूरा पानी है, सबके लिए है। जामा मस्जिद की पूरा मिडिल पे है ये, ठीक है। यहाँ पे बैठ के जैसे कि मैं ऐसे बैठ के तो यहाँ पे वजू, इस पानी से मुझे वजू करना है, ये वाला पानी से। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, वंडरफुल। कुछ ऐसा है जामा मस्जिद के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं कर सकते हैं, जोर से बात नहीं कर सकते हैं। बाय बाय जामा मस्जिद पे हम लोग नमाज पढ़ लिया, अब जा रहे हैं। ये है हमारा बाइक, पूरा यहीं पे पार्क किया हुआ है। अकील, ये रही हमारी बाइक।